दोस्तों अगर आप टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं तब के लिए MSD नया शब्द नहीं होगा, पर जिन लोगों ने कई स्किल सेंटर या टेक्निकल संस्थान ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए शायद MSD नए शब्द हो सकते हैं। तो MSD क्या है, MSD किस उद्देश्य से बनाया गया है, MSD का क्या काम होता है, MSD सभी स्किल सेंटर और इंडस्ट्रियल प्रशिक्षण संस्थानों को कैसे चलाते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो, टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आपको MSD से जुड़े कुछ बेसिक जानकारियां होना जरूरी है। अगर आप कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD से जुड़े कंप्लीट जानकारी पाना चाहते हैं, MSD को सही से समझना चाहते हैं तो पूरे वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़िए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों MSD का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, अंग्रेजी में शॉर्ट में MSD कहते हैं। MSD को हिंदी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कहते हैं। दोस्तों हमारे देश में जितने सारे स्किल सेंटर, इंडस्ट्रियल प्रशिक्षण संस्थान, अप्रेंटिसशिप संस्थान, CITS संस्थान है, सभी संस्थानों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD द्वारा चलाए जाते हैं। ये काम MSD अकेले नहीं करते हैं, साथ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और DGT प्रशिक्षण महानिदेशालय मिलकर संचालित करते हैं। MSD का एक ही उद्देश्य होता है आपके स्किल को विकसित करना और आपको आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों हम सबके पास कोई न कोई स्किल है, फिर भी आज भारत में करीब 70% प्लस युवा बेकार बैठा है, आत्मनिर्भर नहीं है। अगर इन 70% युवाओं को उनके स्किल्स में डेवलप किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए तो न केवल ऐसे युवाओं के व्यक्तिगत विकास में फायदा पहुंचेंगे, बल्कि देश के आर्थिक वृद्धि में भी योगदान कर सकेंगे। मोरूप से MSD के मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार जगह बनाना, उनके स्किल में सुधार करना और उन्हें व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग करना होता है। आज के समय में MSD के पास कई सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट योजना है, स्किल डेवलपमेंट संस्थान है जहाँ पर आप मुफ्त में अपने स्किल की प्रशिक्षण ले सकते हैं, जैसे PM युवा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र RTI, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना आदि। आज MSD DGT के पास कुल 15,000 प्लस इंडस्ट्री प्रशिक्षण संस्थान है और न जाने कितने स्किल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। MSD के काम की बात करें तो MSD के मुख्य कार्य इस प्रकार है, जैसे उद्यमशीलता को विकसित करना और बढ़ावा देना, उद्यमशीलता विकास के लिए अनुसंधान और परामर्श करना, देश भर में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में समय समय पर निरीक्षण करते रहना तथा उनके जरूरतों को पूरा करना, MSME संभावित उद्यमियों को परामर्श आदि विभिन्न सेवाएं प्रदान करना एवं प्रतिभागियों की रोजगार क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, विभिन्न लक्षित समूह के लिए प्रशिक्षण गतिविधियां तैयार करने के साथ साथ उन्हें आयोजित करना तथा उद्यमशीलता से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करना, सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों का विस्तार और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों के उपयोग के माध्यम से उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना। अगर आप DGT से जो जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। दोस्तों तो MSD क्या है, MSD के मुख्य उद्देश्य क्या होता है, MSD का क्या काम होता है आदि से जुड़े इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होंगी। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़िए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।